और चलिए बात अब महारण 2024 की। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की हो सकती है अदला बदली। तो कानपुर और जालौन सीट पर अदला बदली की चर्चा सामने आ रही है। कानपुर से एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अजय कपूर के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस ने बदला प्लान। तो एसपी प्रमुख अखिलेश से कांग्रेस आलाकमान की बात हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर जो है वो कानपुर से है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की अदला बदली हो सकती है। तो कानपुर और जालौन सीट पर ये अदला बदली की चर्चा जो है वो जोरों पर चल रही है। सूत्रों के वाले से जानकारी सामने आ रही है। कानपुर से समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी लड़ सकते हैं चुनाव। संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। श्याम, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की हो सकती है कानपुर और जालौन सीट पर अदला बदली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर की जो सीट है वो कांग्रेस को दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस से यहाँ पर कई बार सांसद चुने गए हैं। इसको देखते हुए ये सीट कांग्रेस को दी गई थी और माना जा रहा था कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ जिनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी, अजय कपूर एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस का, जो कि कांग्रेस के सचिव भी थे, राष्ट्रीय सचिव थे, इसके अलावा बिहार के सह प्रभारी भी थे। उन्होंने ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में कांग्रेस के सामने प्रत्याशी का संकट पैदा हो गया कि किस तरीके से मजबूत प्रत्याशी लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों में साझा उनके दौरान बातचीत हुई, स्थानीय स्तर पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर भी इस बात को पहुंचा दिया गया है कि कानपुर में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है तो यहां पर सपा के प्रत्याशी को लाया जाए। और इसमें अमिताभ वाजपेयी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमिताभ वाजपेयी को कांग्रेस के प्रत्याशी की जगह कानपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है और इसी तरीके की अदला बदली जालौन में भी की जा सकती। माना जा रहा है कि वहां पर सपा का प्रत्याशी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो इन दोनों सीटों पर बदलाव की कयासबाजी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बात यह है कि लखनऊ स्तर पर जो नेता है उनमें भी इस तरीके की एक्सचेंज को लेकर के, सीटों को एक्सचेंज को लेकर के बातचीत में फार्मूला तय। लेकिन अभी इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार यहाँ पर करना होगा। श्याम, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी का मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन